हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पी क्लासेस में। अभी अभी हाल में अभी जस्ट एक नोटिफिकेशन आया था और जिस पर मैंने भी वीडियो बना दी। मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ऑफिस में था, तो आ गया तो मैंने तुरंत डाल दिया उसको। मैंने लगाया फेक नहीं होगा, लेकिन बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें क्लियर दिख रहा है कि फेक है। सबसे पहले अगर मैं नीचे से बात करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये जो SSC ने ये जो दिया है ना, ये पूरा टोटली मुझे गलत लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो लैंग्वेज है, यहाँ पे अगर लैंग्वेज की बात करूँ ये टोटल SSC की मुझे लैंग्वेज नहीं लग रही। क्योंकि SSC की लैंग्वेज मैंने अभी दो तीन नोटिफिकेशन पढ़े हैं तो उसमें डिफरेंट है। तो यहाँ पर मुझे ये लैंग्वेज जो है SSC की नहीं है। और दूसरा है यहाँ पर जो मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल में गलती कर दी यहाँ पर। ये मॉड्यूल आपके जो दे रखे हैं ये मॉड्यूल में गलती है, ठीक है। और ये तो यहाँ पर ये डिजास्टर हो जाता है अगर ऐसे कट ऑफ चले जाते तो, ये डिजास्टर होता मेरी तरफ से। तो ये तो गलत है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मॉड्यूल जो दे रखा है ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो गए, यहाँ से क्लियर हो रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज और देखिए आप, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है तो रिजल्ट ऑफ कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन बाय डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन इतने इतने को शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट अपीयर इन T22 एग्जामिनेशन। द ऑनलाइन ऑप्शन कम पोस्ट वाज शॉर्ट फ्रॉम द कैंडिडेट अपीयर इन ड्यूरिंग द विंडो फ्रॉम द इतने इतने, ठीक है। चलो ये सही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एज पर नोटिस जो भी दे रखा है इन्होंने, ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे गलत लगा। और यहाँ पे ये CPT मॉड्यूल 1 गलत है। और यहाँ पे ये मुझे टोटली यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि ये सही है। यहाँ पे आपके सेक्रेटरी से आया है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होता है, तो ये भी यहाँ पे फेक है। तो ये जो है पूरा नोटिफिकेशन फेक है ऑफिशियल। अभी हमने वहाँ पे भी खोल के देखा तो यहाँ पर नहीं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ वहाँ पर अगर है कि नहीं है, ठीक है। देखिए अभी थोड़ा सा देखिए, मैं SSC के इंटरफेस पर आ गया हूँ और इसको थोड़ा सा मैं करता हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले होम पर हूँ। देखिए यहाँ पे होम पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे होम पर हूँ। होम पे आने पर देखो यहाँ पे 8 मई पे एक आपको कोरिजेंडम दिख रहा है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे चलो मान लेते हैं, चलो यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। नोटिस में जाता हूँ, नोटिस से क्या होगा, आप सीधे CGL CHSL के लिए खुलेंगे। यहाँ पर लास्ट जो कोरिजेंडम आया है CGL के लिए वो आया है आपका 4 तारीख को आपका एक कोरिजेंडम आया था। उसमें कोरिजेंडम में ये बताया गया था, उसमें बेसिकली बात CGL 2023 के लिए थी फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। उसके अलावा अभी तक कोई ऐसा कोई नोटिस नहीं डाला गया SSC की तरफ से जो ये बताता हो कि हाँ कुछ यहाँ पे CHSL में भी देख लेता हूँ, यहाँ तो कुछ होने से रहा, यहाँ तो कुछ है नहीं। अब यहाँ लोगों को कहना है कि SSC NR वेबसाइट में डाला, देखो वो भी देख लेते हैं। हम यहाँ पर टाइप करते हैं SSC NR.NIC.IN, ठीक है। इस पर क्लिक करके यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं होम पे जाऊँ, होम पर ही हूँ बेसिकली, यहाँ पे अभी आप देखेंगे, देखो होम पर देख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या दिखा है, यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये देखिए यहाँ पे कम्बाइंड हायर सेकेंडरी के, क्योंकि एग्ज़ाम चालू, वो आपका फॉर्म भरना चालू हो गया, तो यहाँ पर ये है न्यू में देख लेते हैं, व्हाट्स न्यू में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको कहीं देखो व्यू ऑल कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए आप यहाँ पर आप देखेंगे क्या आ रहा है, कम्बाइंड ग्रेजुएट क्वालिफाइड कैंडिडेट का है, ठीक है, ये हायर सेकेंडरी वाला है। इसके अलावा कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अभी न्यू में कुछ नहीं है, तो मतलब यहाँ भी कुछ नहीं है। चलो यहाँ पे कुछ नहीं है तो अब SSC की ऑफिशियल वेबसाइट दिखा दी मैंने, ये भी दिखा दिया। तो ये जो टोटली जो ये सर्कुलेट किया गया है क्यू मैथ की तरफ से ये सर्कुलेट किया गया है। और क्योंकि क्यू मैथ जो है एक रिलायबल है, लेकिन वहाँ से सर्कुलेट किया गया था और मेरे पास किसी ने भेजा था तो मैंने उसको तुरंत किया। मैंने कहा, मैंने उस पर क्योंकि मुझे जब सोर्स बताया गया क्यू मैथ से भेजा, मैंने कहा सही सोर्स होगा, लेकिन यहाँ क्यू मैथ का ने जो डाला है शायद अब किस लिए डाला मुझे नहीं पता, लेकिन ये टोटली गलत है और ये ऐसा कोई नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से चेक कर दिया, ठीक है। तो इसमें अभी विश्वास मत कीजिए, नोटिफिकेशन आपका एक साथ आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।